नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। कोरोना वायरस ने आम जनजीवन को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है और जम्मू कश्मीर में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है और प्रदर्शन करने का तरीका भी जो है लोगों ने अपने अपने तरीके से आजमाना शुरू कर दिया है। और जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A का खात्मा हुआ था तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा बना दिया गया था, जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों ने विरोध किया था। और आज जम्मू में अलग तरीके से कुछ लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और जम्मू की दीवारों पर हैशटैग कैंपेनिंग चलाई जा रही है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हैशटैग जम्मू स्टेट के साथ साथ हैशटैग 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह बर्थडे हैशटैग हॉलीडे की जो है वो यहाँ पर डिमांड की गई है। और विरोध करने का तरीका जो है लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का तरीका बदल रहा है। और इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में जो है प्रशासन का ये कहना है कि ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और इसको देखते हुए तरीके जो हैं वो अलग अलग जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जम्मू की दीवारों पर इस तरह के स्लोगन लेकर जो है अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और ये जम्मू की सड़कों पर, जम्मू की दीवारों पर इस तरह के स्लोगन्स लिखकर जो है वो आम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। जबकि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया था, इसके बाद जम्मू कश्मीर के जो आम निवासी हैं उन्होंने खुलकर विरोध किया था। और जो जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक रह चुके हैं महाराजा हरि सिंह, उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी अनाउंस नहीं की गई। और कुछ दिन पहले ही पूरे जम्मू कश्मीर ने महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया था, लेकिन महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड जम्मू कश्मीर वासी कर रहे हैं। रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, लगातार महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर आम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और इस तरह से दीवारों पर लिखकर स्लोगन्स लिखकर विरोध दर्ज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? वरुण, देखिए, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करें तो एक लंबे समय से ये डिमांड चलती आ रही है, उसको लेकर राजनीति भी हुई। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए, और वो लोग प्रदर्शन भी करते रहे। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और उसके बाद जिस तरह से ये प्रदर्शन यहाँ पर वो पहले करते थे, उन्होंने भी ये कहा कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। जब तक तो पीडीपी की और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर गठबंधन सरकार थी, तब तक तो कोई नेता नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को याद नहीं आई। उसके बाद जब सरकार यहाँ पर टूटी और राज्यपाल शासन यहाँ पर हुआ, अभी तो उपराज्यपाल शासन है, लेकिन पहले जब राज्यपाल शासन यहाँ पर था, और आपने भी देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल से मांग कर रहे थे कि आप जो महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर जो 23 सितंबर को छुट्टी दें। देखिए, वही लोग सरकार में थे तो वो नहीं बोले, वो जब छुट्टी कर सकते थे तो उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, लेकिन जब उनकी सरकार टूटी और उसके बाद वो लोग बाहर हुए और राज्यपाल यहाँ पर आए तो वो उनसे लगे छुट्टी की मांग कर रहे हैं। इसलिए उसको लेकर तो काफ़ी राजनीति हुई, लेकिन छुट्टी नहीं हुई। और जब जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 35A में बड़े बदलाव हुए, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, तो लोगों ने ये सोचा कि अब उनके मसले हल होंगे। और तब एक बड़ी उम्मीद थी कि अब जिस तरह से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू के साथ इंसाफ होगा। और महाराजा हरि सिंह जी की बात करें, चाहे यहाँ पर पीडीपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, या फिर एनसी की सरकार रही हो, हर एक व्यक्ति जो थे वो जब 370 और 35A को हटने की बात आती थी तो उस समय वो हवाला देते थे महाराजा हरि सिंह जी के, उनकी बनाई हुई ये रियासत है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब छुट्टी की बात आती थी तो उस समय ये सब लोग खामोश हो जाते थे, इनकी ज़ुबान पर ताला लग जाता था। तो जब जम्मू कश्मीर में 370 में बड़े बदलाव हुए तो लोगों में एक उम्मीद थी कि अच्छे काम होंगे, और इस तरह से ये छुट्टी की लेकर जिस तरह से लगातार लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, कई संगठन प्रदर्शन करते रहे हैं, और छुट्टी को लेकर सभी लोग एक मंच पर भी आए, एक बड़ी उम्मीद थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो छुट्टी जो थी वो नहीं हुई। और आज आप देख रहे हैं कि इस समय जब कोरोना वायरस जो है वो चल रहा है,
और इससे पहले जब जम्मू में 370 और 35 में बड़े बदलाव हुए तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। अब जब से कोरोना वायरस है, धारा 144 लागू है, बड़ी सी जगह रेड जोन जो है वो एरिए घोषित किए गए हैं और हम सबको उसका अपनी जो प्रोटेक्शन है वो खुद करनी है। और ये तरीका, क्योंकि अब युवा बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस बल वहाँ पर आ जाते हैं, उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिए जाते, लेकिन ये जो तरीका है, जम्मू स्टेट आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, जम्मू को फिर से जम्मू कश्मीर को रियासत बनाने की बात कही गई है। और दूसरा, ये 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी का ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छा होता कि ये चीज़ 23 सितंबर से पहले लिखी जाती। मुझे लगता है कि ये किसी ने कोई शरारत जो है वो करने की कोशिश की है, ये मेरा अपना विचार है। पुलिस को इसमें देखना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि अब एक शांत माहौल जो है, जम्मू स्टेट तो हम मान सकते हैं कि वो डिमांड है, लेकिन ये जो 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात की गई है और छुट्टी 23 सितंबर बीत जाने के बाद इस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, ये कहीं ना कहीं एक शरारत और माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है वो की गई है। और दूसरा, ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, आप इस पर देखें कि यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल है, जीएमसी के जितने भी लोग वहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं, तो ये डॉक्टरों का बॉयज़ हॉस्टल है, पीजी हॉस्टल, यहाँ पर जो है वो इस दीवार पर इस तरह से रखना। और ये दीवार जो है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात करें तो एक रंग रोगन हुआ था, बड़ा अच्छा ये दिख रहा था, लेकिन इस पर ये जो स्प्रे मार्कर ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये पुलिस को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे लगता नहीं कि किसी को ये पता है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को रोका जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए, जब युवा अपने हक की आवाज़ के लिए बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिए जाती, तो मजबूरन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का संदेश जो है वो प्रशासन को पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। काफ़ी व्यस्त ये एरिया है जहाँ पर हर आने जाने वाले की नज़र यहाँ पर पड़ती है, और संदेश पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आंखें खोलना बड़ा ज़रूरी है प्रशासन की। बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि विरोध प्रदर्शन आप ना करें, विरोध प्रदर्शन, लोकतांत्रिक हम देश में रहते हैं, विरोध प्रदर्शन करना हर एक व्यक्ति का हक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ विरोध प्रदर्शन ना करें, लेकिन यही विरोध प्रदर्शन बड़ा अच्छा होता, ये मैसेज आप 23 सितंबर से पहले देते, मतलब 23 सितंबर से आप पहले देते कि हमें छुट्टी चाहिए। अब जब 23 सितंबर हो गया और आप ये, मुझे लगता है कि ये कोई शरारत राजनीति इसमें हो रही है, कोई शरारत हो रही है और किसी माहौल को ख़राब करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए, और पुलिस को खासकर देखना। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब हम यहाँ से गुजरे, आपने हमने इस चीज़ को देखा, तो हम ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि पुलिस को भी ये अभी तक पता है, उनको भी ये देखना चाहिए, प्रशासन को ये देखना चाहिए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो ज़रूर होंगे और उस व्यक्ति की पहचान जो है वो यहाँ पर करनी चाहिए। देखिए दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये सरकारी बिल्डिंग है, दूसरा अभी इस पर रंग रोगन किया था, कितना अच्छा आप भी निकलते होंगे यहाँ से तो लग रहा था, और ये इस तरह से अभी अच्छा नहीं लग रहा, आपने इसको ख़राब कर दिया है ऊपर ये लिखकर। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि विरोध प्रदर्शन करना गलत नहीं है, अगर किसी ने ये लिखा है तो हम उसके विरोध में नहीं है कि उसने क्यों लिखा, उसने अपनी जो दिल की बात थी, क्योंकि विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिए जाते, और ये लिखकर एक नए तरीके से दिखाई है, लेकिन उन्होंने समय जो है और जगह, ये जो चीज़ें हैं ये गलत चुनी है। बातचीत करेंगे तो साफ तौर से एक अंदाज जो है वो बदला है, युवाओं की बात करें, जम्मू कश्मीर निवासियों की बात करें तो उनका प्रदर्शन करने का एक तरीका जो बदला है, और बिना लोगों को इकट्ठा किए कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग चलाकर, हैशटैग कंपेनिंग चलाकर जो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, और अब जम्मू की दीवारों पर इस तरह की हैशटैग करके कि जम्मू स्टेट को, जम्मू कश्मीर जो यूटी का दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है और इसे दोबारा से स्टेट का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, और सबसे बड़ी डिमांड जो इस समय जम्मू वासी कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी अनाउंस कर दिए जाए, और इस तरह की दीवारों पर अपना जो विचार है वो यहाँ पर लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो यूँ ही बन रहे हैं द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।